Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के पत्तों की बहुत ही यूनिक सी एंड अमेजिंग सी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है एंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. सो विदाउट फर्दर एनी अडो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैंने लिया 6 गाजर पत्तों के साथ. गाजर के पत्तों में गाजर से 6 गुना ज़्यादा आयरन होता है और इसे खाने से आपको आयरन की कभी कमी नहीं होती है. इसमें एक विटामिन के एंड विटामिन बी भी होते हैं. गाजर के पत्तों को पहले गाजर से अलग कर लें. जहाँ से उसके पत्तियाँ स्टार्ट हुई हैं आप वहाँ से इसे काट लें, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ. उधर से काटें जहाँ से उसकी पत्तियाँ स्टार्ट हो रही हैं. सारे गाजर को आप इसी तरह से काट लें. गाजर के पत्तों को गाजर से अलग करने के बाद अब जो ये पत्तियां हैं इसकी जो मोटी डाल है आपको उसे अलग करनी है. इसमें आपको किसी नाइफ या सीजर की ज़रूरत नहीं है. आप इसे हाथ से ही इस तरह से तोड़ के अलग कर सकते हैं. सेम वे आपको सारे ही गाजर के पत्तों के डाल को इस तरह से तोड़ के अलग कर लेना है. जैसे ही आपके ये सारे हो जाएंगे तो इसी के साथ साथ मैंने लिया है कुछ मूली के पत्ते. मूली के पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस होते हैं. ये जॉन्डिस को भी क्योर करता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है. मूली के जो पत्ते हैं उसके भी डाल को मैं वहाँ से काटूंगी जहाँ से इसके ढेर सारे पत्ते स्टार्ट हुए हैं. इसे काट के मैंने हटा दिया और अब इसे भी मैं बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में काट के अलग रख लूँगी. अब मैं लूंगी 2 मूली और 2 गाजर. इसे भी हमें बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में काट के अलग रखना है. मैं सच बता रही हूँ मुझे मूली बिल्कुल पसंद नहीं, बट इसमें आपको मूली बहुत पसंद आने वाला है तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें एंड इसे भी डालें. गाजर के जो पत्ते थे इसे भी कुछ हमें छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है इस तरह से. सभी को छोटे छोटे हिस्सों में काटने के बाद मैंने सभी को नॉर्मल पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था एंड उसके बाद ये हमारे कटिंग एंड चॉपिंग का काम हो चुका है. अब हम चल रहे हैं अपने कढ़ाई की तरफ. कढ़ाई में मैंने लिया 3 टेबलस्पून ऑयल. इसे अच्छे से गर्म होने देंगे. फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाला है. फिर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें छोटे कटे हुए लहसुन डाले हैं. 3 छोटे कटे हुए मिर्च डाले हैं. फिर इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे. अब हम इसमें मूली और अपने गाजर को डालेंगे. 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे. इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और इसे भी हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे. फिर हम इसे कवर करके 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे. 4-5 मिनट बाद इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे. और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मूली के पत्ते और अपने गाजर के पत्तों को. दोनों को ही डाल के अच्छे से हम इसे मिला लेंगे. एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेंगे फिर हम इसे ना कवर कर देंगे. कवर करके हम इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे. फिर 2-3 मिनट बाद वापस आएंगे और इसे वापस से हम एक बार इस तरह से मिलाएंगे. इस तरह से हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़े से सूखने ना लगें. तब तक हम इसे इस तरह से ढक के रखेंगे और मिलाएंगे. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पत्तियाँ बिल्कुल सूख चुके हैं. एक लाज पर मैं इसे ढक के रखूँगी और ये जो मेरे पत्तियाँ ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे. एकदम लास्ट पर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और लास्ट बार हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और जो हमारी ये हेल्दी सी डिश है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है. आप इसे रोटी के साथ खाएं या फिर आप इसे पराठे के साथ खाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आएगा. जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे बनाएं, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी. एंड अब जब भी आप गाजर या मूली लें उसके पत्तों को बिल्कुल ना फेंकें. लोग फेंक देते हैं, इस बार फेंकना नहीं है. इस बार आपको ये डिश ज़रूर से ट्राई करनी है. सो अगर आपको मेरी ये वीडियो एंड मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज़.